इंफोसिस ने बायबैक का ऐलान कर दिया है और 1150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो है वो बायबैक करेगी कंपनी। मतलब एक बड़ी खबर है क्योंकि इंफोसिस का पहली बार हिस्ट्री में पहली बार बायबैक आया है और करीब करीब 1150 रुपए प्रति शेयर के बायबैक की घोषणा कंपनी ने कर दी है। और जो बायबैक है वो अवेटेड भी था, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रफली 11 करोड़ 30 लाख शेयरों के आसपास का बायबैक कंपनी करेगी जो कि करीब करीब 4.92% इनकी इक्विटी का हिस्सा होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आकलन लगाया जा रहा था कंपनी अपनी नेटवर्थ का 10% से ज्यादा हिस्से का बायबैक करेगी तो उसे शेयर धारकों की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि कंपनी जो बायबैक लेकर आई है वो 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 68,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इस हिसाब से देखा जाए तो रफली 20% के आसपास यानी कि 20.51% जो कंपनी का फ्री रिजर्व है उसका बायबैक आया है। तो इस बायबैक के लिए कंपनी को अब शेयर धारकों की मंजूरी लेनी होगी। 18% प्रीमियम यानी कि जो दाम कंपनी ने वेडनेसडे के आसपास क्लोजिंग थी 976 रुपए के आसपास उससे प्रीमियम पे दाम आया है और 1150 का आंकलन इस हिसाब से भी लगाया जा रहा है कि अगर आप सभी आईटी कंपनियों को देखें चाहे वो बारिंग विप्रो TCS हो HCL हो या फिर कोई भी कंपनी हो, इन सभी कंपनियों ने जो अपना बायबैक लेकर आए थे वो बायबैक लेकर आए थे करीब करीब 15 से लेकर 18% प्रीमियम के आसपास। 976 क्योंकि वेडनेसडे की क्लोजिंग थी जब इस बायबैक की घोषणा हुई थी उसके लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 1130-1135 रुपए के आसपास के बायबैक की एक उम्मीद लगाई जा रही थी और वही उसी की तर्ज पर यह बायबैक आया कि 15 से 17% के आसपास का प्रीमियम है जिसके आधार पर बायबैक आया है। और दूसरी अहम चीज है कि 11.3 करोड़ जो शेयर्स है उनका एक ही बायबैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कुछ और क्रूशियल चीजों की बात करी जाए तो क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो रफली 11.9 करोड़ शेयरों के आसपास है तो ये एक चीज और अहम हो जाती है कि कंपनी जो क्वांटम ऑफ बायबैक है वो भी काफी बड़ा लेकर आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस टाइम मिस्टर नटराजन मौजूद भी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हिस्टोरिकली पहली बार इंफोसिस बायबैक लेकर आई है और रफली 15 से 16% के आसपास का एक जो प्रीमियम का अनुमान था वही प्रीमियम यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आपका आकलन कहता है कि क्या प्रीमियम जिस भाव पर आया है इज इट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस या फिर थोड़ा और बेटर हो सकता था? नटराजन आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा सवाल यही था सर कि जो दाम आया है इन्फोसिस का जिस प्रीमियम पे आया है वो 15 से 17% के आसपास का दाम है तो एक्सपेक्टेड लाइन पे कह सकते हैं क्योंकि बाजार में इसी तरह का ही अभी सिनेरियो चल रहा है, ज्यादातर सभी कंपनियों ने इसी दाम के आसपास ही लाया है, ये मान के चले कि उसी उन्हीं तर्ज पे ही ये बायबैक भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। देखिए प्रीमियम तो स्पेकुलेट होता है क्योंकि आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा हो सकता था या कम हो सकता था, पर मेरे ख्याल से अभी जो इंडस्ट्री का जो माहौल है और इंफोसिस का स्टेटस है उसको देखते हुए आई थिंक दिस इज अ फेयर प्राइस और उनका अगर बायबैक सक्सेसफुल होता है तो कंपनी के लिए भी अच्छा ही होगा। जी सर एक और चीज है क्योंकि बायबैक का साइज रफली 20% के आसपास इनकी नेटवर्थ का आया है और करीब करीब 5% इक्विटी जो है उसका बायबैक लेकर आए हैं, एडिक्वेट कह सकते हैं इसे क्योंकि हिस्टोरिकली पहला बायबैक है तो एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा रखी गई थी, एडिक्वेट है या? ये तो अभी एडिक्वेट है क्योंकि आया क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज एडिक्वेट, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। जी सर सिनेरियो के ऊपर भी बातचीत करना चाहेंगे, आप इंडस्ट्री को काफी अच्छे से समझते भी हैं, जिस तरह का सिनेरियो है प्राइसिंग को लेकर डॉलर रुपी इक्वेशन की टेलविंड्स को लेकर या फिर बाकी क्रॉस करेंसी की हेडविंड्स को लेकर इन चीजों को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री को अभी? क्या ये जो प्रेशर लास्ट क्वार्टर तक रहा जो थोड़ा ईज आउट हुआ भले Q1 में आके ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा? देखिए अभी अगले 5-6 क्वार्टर तक तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर जरूर रहेगा प्राइसिंग पे नहीं, मगर अभी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर चल रहा है और अभी कंपनीज उनके मॉडल को भी चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल आप देखें तो डिजिटल रेवेन्यूज 25-30% है हर कंपनी की, वो 50-60% तक जानी चाहिए क्योंकि वो एक ट्रेंड है और उसके लिए 1-2 साल तो लगेगा, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत क्विक रिकवरी तो नहीं हो सकता है, रिकवरी चालू है जैसे आपने इंफोसिस के मेंबर्स में भी देखा और 2-3 और कंपनीज थे, तो मेरे ख्याल से आई थिंक बाई FY20 इंडस्ट्री कैन बी बैक ऑन डबल डिजिट ग्रोथ, मगर ये जो FY18 है और FY19 है वो थोड़ा स्लो ही रहेगा, कोई मिराकुलस रिकवरी तो हो नहीं सकता। जी उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि शायद बायबैक में प्रमोटर पार्टिसिपेट करें क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़ फ्लो है यहाँ पर,
तो ऐसा कुछ मान के चले कि बायबैक में शायद प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्रमोटर पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, मगर करेंगे कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, वो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी, मगर अभी फिलहाल उनका रिस्पांस अच्छा ही होना चाहिए और कल के न्यूज ऑफ कोर्स वाज नेगेटिव फॉर द कंपनी, मगर उनका बायबैक अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे जाते हुए कि किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाए। सर 957 के दाम पे क्लोजिंग था जब बायबैक की घोषणा की थी, 976 के दाम पर, वहां से शेयर और करेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा वैल्यू कल भी इरोड हो चुकी है, जो प्रीमियम है मिल रहा है बायबैक को लेकर वो एक अच्छा प्रीमियम आ गया है, तो जो जिनके पास भी है क्या बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि बायबैक को एग्जीक्यूट किया जाए या उसमें टेंडर कर दिया जाए, या फिर अभी इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए होल्ड कर सकते हैं, या जो सिनेरियो है ये कंपनी साथ बना रहा जा सकता है? देखो ये बात तो कहने मुश्किल है, अब जो कल प्राइस में जो गिरावट आई थी तो वो तो ऑफ कोर्स दैट वाज बिकॉज ऑफ विशाल सिक्का, और मेरे ख्याल से अभी प्राइसिंग ऑफ आईटी स्टॉक्स इज फेयर, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत कम है ऐसा कुछ है, तो मेरे ख्याल से अभी काफी जब इंडस्ट्री मोमेंटम जब पॉजिटिव हो रहा है तो आई थिंक देयर शुड बी कॉन्फिडेंस कि आईटी, अगर आप आईटी स्टॉक्स पे इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट यू शुड होल्ड इट, क्योंकि सभी इकोनॉमीज में थोड़ी बहुत तो स्लोनेस है और आईटी मेरे ख्याल से ऊपर ही जाएगा क्योंकि कंपनीज का मॉडल भी बदल चुका है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नटराजन अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग, पहली बार इन्फोसिस बायबैक लेकर आई 36 साल के इतिहास में, और बायबैक आया 1150 के दाम पर, प्रीमियम है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितनी उम्मीद थी, आपका आकलन क्या कहता है? गौरांग आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया। अंचल भी मौजूद है मेरे साथ, अनुराग भी मौजूद है। अनुराग पहले तो आप बताइए, आप ग्राउंड पे मौजूद भी हैं, बायबैक फाइनली आ गया है, 13,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने की बातचीत की गई थी और एक अनुमान था कि 9,600 करोड़ रुपए जो कि कंपनी डिविडेंड देने के बाद बचा था कंपनी के पास उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन कंपनी ने पूरा एज इट इज 13,000 करोड़ रुपए जिसकी पहले बात की थी उसका बायबैक ले आई है, तो अनुमान से बड़ा बायबैक तो कह सकते हैं, लेकिन प्राइस 1150 है जो कि अनुमान से कम है, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो बायबैक है 7,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी जो 10% उनकी कैपिटल होती थी उससे ज्यादा है, तो शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगी इस बायबैक के अंदर, और ये जो जब जो रिलीज फॉरवर्ड की गई उसमें बताया गया है कि पूरा मैनेजमेंट मौजूद था जिसमें विशाल सिक्का से लेके जो इंटरिम सीईओ है प्रवीण राव से लेके जो सीएफओ है सब वगैरह हर कोई मौजूद था, और उसके बाद इसका फैसला लिया गया है ये 13,000 करोड़ का जो बायबैक है। और जो हम सुबह से बात कर रहे थे कि जिस तरह से कंपनी ने कहा था कि 13,000 करोड़ उनको निवेशकों को देने इस साल में, उसमें से 3,400 करोड़ दे चुके थे, तो ज्यादातर 9,600 करोड़ ही बचते थे, लेकिन ये 13,000 करोड़ का बायबैक है और करीबन 18% प्रीमियम पे है, 17.74 समथिंग, तो प्रीमियम भी अच्छा है। और ये देखना होगा कि अब मंडे को जब स्टॉक वापस, क्योंकि कल काफी ज्यादा पिटाई हुई थी, तो मंडे को क्या रिएक्शन होता है स्टॉक के ऊपर बायबैक के बाद ये भी देखना होगा, लेकिन ये ट्रेंड फॉलो किया है जो बाकी आईटी कंपनियां थी जो 10-15% तक के प्रीमियम पे बायबैक ला रही थी, तो उसी ट्रेंड को इंफोसिस ने भी फॉलो किया है। जी तो इनफैक्ट वही ट्रेंड यहाँ पर भी फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ा है इन्फोसिस में, करीब करीब 17.5% या 18% का प्रीमियम जो कि बुधवार की क्लोजिंग के बाद, यानी कि जिस दिन बायबैक की घोषणा की थी उसकी क्लोजिंग के बाद ये प्रीमियम कंपनी ने दिया है। आकलन बाजार में थोड़ा ज्यादा था क्योंकि लोअर एंड पे 17-18% के आसपास के प्रीमियम की बातचीत थी, अपर एंड पे करीब करीब 24% के आसपास का एक प्रीमियम का अनुमान लगाया जा था। हमारे साथ ट्रिप चौधरी मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले आपको सारी डिटेल बताया था, उसके बाद आपका एक व्यू भी लेंगे। इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया 1150 रुपए के दाम पे, सफली 4.92% इक्विटी का एक बायबैक है, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए का जो पूरा डिप्लॉयमेंट है वो इन्फोसिस ने इस बायबैक के लिए किया है। आप कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है जो दाम और जो बायबैक के लिए पूरा क्वांटम दिया गया है ये एडिक्वेट है या थोड़ा और इसमें स्कोप था इम्प्रूवमेंट का? जैसे पहले बोल चुका हूँ, ये बैग यूज को शुगर कोट कर रहे हैं, इसमें कोई भी विनर नहीं है। जितना पैसा ये शेयर बायबैक में कर रहे हैं, कंपनी की ना तो कॉम्पिटेटिव पोजीशन इंप्रूव होने वाली है, ना कंपनी के कस्टमर खुश होने वाले हैं, ना इन्वेस्टर खुश होने वाले हैं। क्यों? इस बायबैक का फायदा तभी है जब इनकी एग्जीक्यूटिव टीम, इनके फाउंडर्स नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, जितने भी फाउंडर्स हैं, इन सबको बार कर दिया जाए कि ये कोई अपना शेयर बेच नहीं सकते फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स।
तभी इस बायबैक का थोड़ा बहुत फायदा है. बेसिकली क्या हो रहा है, कंपनी खरीद रही है एंड फाउंडर्स बेच रहे हैं. बेसिकली द कंपनी इज गिविंग अप, गिविंग देम अ चेक. ये ठीक नहीं है जी. सर गौरांग भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे. मिस्टर चौधरी आप बने रहिए हमारे साथ. गौरांग, 1150 का दाम और करीब करीब 5% इक्विटी का बायबैक, कितना सेटिस्फैक्टरी प्राइस है ये, और आपका व्यू क्या कहता है इस बायबैक के बाद? जो उम्मीद थी वो 25-30% प्रीमियम का बायबैक का फिगर आया था मेरे पास. 18% बायबैक पे 1150 करीबन 5% इक्विटी, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह देखने मिलेगा. और ये उत्साह तो छोड़ दीजिए, सुमित जो क्लास एक्शन सूट फाइल होने वाले हैं आने वाले समय में, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल थोड़ी दुविधा आ सकती है आने वाले टाइम पर. और अनिश्चितता का माहौल अब और बढ़ गया है, क्योंकि जो भी स्पष्टीकरण मैनेजमेंट की तरफ से आया और उसके बाद फाउंडर मेंबर की जो टिप्पणियां आई हैं, मेरे ख्याल से काफी तीखे तेवर का उपयोग किया गया है और खबरों का हावीपन काउंटर पर रहेगा. बायबैक 1150 के वैल्यूएशन को लेकर के या प्राइस को लेकर के या 18% प्रीमियम के वैल्यूएशन को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा उत्साह देखने मिलेगा. और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया अनिश्चित का माहौल है, स्पष्टीकरण काफी आना जरूरी है. ओके, तो जो है सोमवार को क्या मान के चले, सोमवार को जब शेयर खुलेगा तब दोबारा जो कमजोरी का दौर देखने को मिल रहा है शुक्रवार का जो है वही हैंगओवर रहेगा, या एटलीस्ट एक पुल बैक लेगा प्राइस को देखते हुए फिर उसके बाद दोबारा परसिस्टेंट सेलिंग शुरू हो जाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा उत्साह आपको रखना चाहिए ऊपर की तरफ से दायरे के लेकर के. और खबरों का सिलसिला अभी आने वाले काफी लंबे समय तक जारी रहेगा, जो भी वाकया हुआ है हाल ही में. तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज्यादा उत्साहित होना चाहिए. और अगर आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते भी है तो आई थिंक बिकवाली का माहौल आपको जरूर देखने मिलेगा. ओके, गौरांग आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मिस्टर चौधरी मौजूद हैं. मिस्टर चौधरी, जो अगला सवाल है वो इस चीज से रिलेटेड है कि ये सेक्टर ऑलरेडी हेडविंड्स फेस कर रहा है बहुत सारे, प्राइसिंग को लेकर रहे, क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर रहे, ऑर्डर इनफ्लोस को लेकर रहे, बहुत सारे स्पेंडिंग का इशू रहा है, करेंसी एक और बड़ी वजह है. तो ऑलरेडी हेडविंड्स थी, इंडिविजुअली इन्फोसिस के अंदर भी कई सारी दिक्कतें शुरू हो गई है जो कि दोनों पक्षों की तरफ से बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और अब वो अपने मैक्सिमम या फिर मेजर स्टेज की तरफ पहुंच चुके हैं. तो इस चीज को देखते हुए जो प्राइस कंपनी ने दिया है, क्या ये डैमेज कंट्रोल के तौर पे कह सकते हैं, मतलब इज इट सेटिस्फैक्टरी इनफ? नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने वाली तरकीबें हैं. जब आपके पास इतनी हेडविंड्स हैं, आप अपने जो शेयर्स हैं, अपने जो आपका बैलेंस शीट में कैश है, आपको उसको प्रिजर्व करना चाहिए. वो जो कैश होता है वो आपको अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग में रख करो, जो कि जो सारे बेरोजगार 2-3 लाख इंप्लॉइज हैं इंडस्ट्री, अगर आप उनको रिट्रेन नहीं करोगे सारे लोग बेकार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे. आप मुझे बताइए कि आप शेयर बायबैक करके क्या कर रहे हो? कुछ भी आप तो ये इसमें खुशी होने की बात नहीं है, ये सब दुखी होने की बात है, क्योंकि कंपनी का दिमाग बिल्कुल टूटा हुआ है, इनकी थिंकिंग नहीं है. बेवकूफ लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं और जो इन्हें शेयर बायबैक किया है, इनको ये नहीं पता कि फ्यूचर इज मच वर्स. कैश इज की, कैश को आप डिप्लॉय करो जो कि लॉन्गेविटी हो कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करो, अपने इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करो. जो बेवकूफ लोग हैं उनको निकालो, जो यंग लोग हैं 20-25-30 साल के लोग उनको हायर करो, दे कैन चेंज द कंपनी अराउंड. फाउंडर्स रिटायर हो गए हैं, वो दे आर टोटली आउट ऑफ टच, उनको उनसे बात करना ही बेवकूफी वाला बात है. टेंडर किया जा सकता है शेयर, तो अगर सिचुएशन मिलती है ऊपर के प्राइस मिल रहे हैं तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से टेंडर करके शेयर निकल सकता है जितना वो टेंडर कर सके, तो क्या उनके लिए बेटर सिचुएशन होगी कि वो टेंडर कर दे इसमें? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू थिंक अबाउट इट. इंडिया जो प्रोग्रेस किया है, ये सब इंफोसिस विप्रो टीसीएस के बलबूतों में, जो आज हम जो तरक्की देख रहे हैं इंडिया की, दैट्स द फाउंडेशन. आपकी फाउंडेशन मिल रही है लाइक, आपका फ्यूचर इज मच ब्लीक, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन. ये छोटा मोटा टेंडर कर दो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे कुछ नहीं हो रहा है. ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है, अपनी कंपनी को डूबने वाली चीज है. आप मुझे बताइए कि आपके पास कब से आपके पास $5 बिलियन, तो कहाँ पे आप $1 का आपको बिल्कुल अटेंटिव होना चाहिए. $1, एक एक एम्प्लॉय को नई स्किल सिखाओ जी, तभी ठीक होगा. ये तो आपने ये तो वो
जैसे आपके गली के आगे कोई दुकान खुली हो उस तरह का व्यापार कर रहे हैं ये लोग. दैट्स नॉट द वे. ये ग्लोबल कंपनी है और ग्लोबल तरह से सोचो. दे शुड थिंक बिग, ब्रॉड एंड बोल्ड. ओके, कुछ भी नहीं है इनके पास. मिस्टर चौधरी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे. गौरांग भी मेरे साथ मौजूद है. गौरांग, एक चीज और है, क्योंकि सेक्टर में यूजुअली 12 से 15 से 18% का प्रीमियम था, बारिंग फ्यू कंपनीज जिन्होंने 24% का प्रीमियम दिया. ये एक्सपेक्टेशन भी आ गई थी कि शायद इन्फोसिस का रिजर्व ज्यादा है, शेयर प्राइस भी बहुत टूटा है और कंपनी पहली बार लेकर आ रही है तो 24-25% प्रीमियम दे भी सकती है. लेकिन कंपनी ने जो बायबैक दिया वो डिस्पाइट कि 9,600 करोड़ की 13,000 करोड़ रुपए कंपनी ने स्पेंड कर डाले, यानी जितना पूरा प्रिजर्व इन्होंने रखा था उसके लिए, बायबैक के लिए, डिविडेंड के लिए, उसका इस्तेमाल कंपनी ने कर लिया. इतना बड़ा बायबैक लाए, हो सकता था कि यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम करके प्राइस बेटर दे सकते थे, क्योंकि निवेशकों को नुकसान भी काफी हुआ है हाल फिलहाल की खबरों के बीच. सुमित, फिर वही प्रश्न उठता कि भाई इतना कम बायबैक क्यों ले रहे हो आप इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी साइज. तो आई थिंक ये तो यू नो ये नहीं हुआ, वो हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाएगा. इट्स अनफॉर्चुनेट. और पूरा जो एपिसोड हुआ है वो भी मैं काफी स्पष्ट रूप से बयान दे चुका हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो माहौल है वो दुरुस्त है. और तकलीफ ये है सुमित कि हमें नहीं पता कि आने वाले समय में कौन सी खराब खबर उभर करके आएगी फिर से, और अनिश्चितता का माहौल है उसको लेकर. तो आप क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना चाहते हो? आपको कल भी मैं सुन रहा था गौरांग, जब आपने प्रमोटर्स के पूरे विवाद के बारे में अपने अपना पक्ष रखा था उस समय भी और आज भी, जो सिनेरियो है चाहे बायबैक के प्राइस को लेकर हो, कंपनी के ओवरऑल वर्किंग को लेकर हो, आगे आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैलेंजेस को लेकर हो, या फिर जो जो वाद विवाद चल रहा है इसको लेकर हो, आप व्यू क्या रखते हैं इन्फोसिस पे? आप होल्ड करेंगे, आप निकलने की सलाह देंगे, या लोअर लेवल पे बाय करेंगे, या आईटी में किसी और कंपनी में स्विच करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीके का माहौल है, जो टिप्पणियां की है और जो अनिश्चितता का माहौल है, सुमित पहले तो डिस्क्लोजर देने चाहूंगा, हमारी कवरेज थी पहले खरीदारी के इन्फोसिस पर, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट हुई है और जो परिस्थिति खड़ी हुई है उसको देख करके हम जिनके पास है वो बने रहें, स्पष्टीकरण आए उसका इंतजार करें. नई खरीदारी की राय तो हम फिलहाल नहीं दे रहे जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं आई. ओके, मिस्टर चौधरी, गौरांग से भी हम बात कर रहे थे, उनका व्यू भी आपने सुना ही होगा. उन्होंने पहले खरीदारी की राय थी लेकिन अब बने रहने की राय देते हैं, जब तक स्पष्टीकरण ना आए तब तक उसमें नई खरीदारी ना करें. आप क्या व्यू रखते हैं इन्फोसिस को लेकर? क्या इस तरह का सिनेरियो रहेगा आगे भी? अवॉइड करें, अगर इसमें पोजीशन है तो होल्ड करें, निकल जाए, या किसी और कंपनी में जाए जहां बेटर सिचुएशन हो, स्टेबल सिचुएशन दिखाई पड़े? मैं आपको पहले चीज बताता हूँ कि किस तरह से इंडस्ट्री जाएगा, इंडस्ट्री इंप्रूव नहीं होने वाला. अभी जो हुआ है दैट इज अ स्टार्ट ऑफ अ मच वर्स सिचुएशन दैट विल कम. स्टॉक में जाना है नीचे, जो मर्जी कर लो, यू कांट शुगर कोट योर वे आउट ऑफ इट. एक और चीज बताऊंगा, ये कंपनी और ये मैनेजमेंट है थोड़ी बेवकूफ. मैं क्यों कह रहा हूँ, 3 साल पहले उन्होंने 3:1 रिवर्स स्प्लिट किया, वो अगेन दैट वाज अ शुगर कोट. स्टॉक स्प्लिट किया, सोचा कि इन्वेस्टर्स बेवकूफ बन जाएंगे और स्टॉक ऊपर भाग जाएगा. तो उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके आपने 3:1 करके लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी. अब एक और बेवकूफी कर रहे हैं, पहले खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते लिक्विडिटी इंक्रीज करके 3:1, और अब तुम जाके उसको शेयर बायबैक कर रहे हैं लिक्विडिटी कम करने के लिए. हाँ बताओ कि आप किसको उल्लू बना रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ही तो बना रहे हो. तो बेसिकली थिंग इज आईटी सर्विसेज कंपनीज के हर एक कंपनी, इंफोसिस को नहीं, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस सारे निकम्मे हैं. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज इन दे शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ टू मेक श्योर द आईटी सेक्टर डोंट डिसअपीयर फ्रॉम इंडिया. सिचुएशन इज मच वर्स. 3-4 लोग, लाख लोग जो इंडिया में बैठे हैं सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. वहां पे कोई नजर नहीं रख रहा, सब ये कर रहे हैं शेयर बाय आज करो कम करो, कितना ज्यादा किया, आपकी कंपनी डूब रही है, आपकी नाम डूब रही है, उसको संभालो पहले जाके जी. एंड कोई भी एग्जीक्यूटिव के पास दिमाग नहीं है कि कैसे इस सेक्टर को संभालें जी. एंड क्राइसिस होंगे 1.5 साल के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट गो थ्रू द रूफ, फिर देखना किसके पास नौकरी बचे रहेगी. okay. इंडिया की इकॉनमी बिल्कुल डूब जाएगी जी. करेक्टिव एक्शन चाहिए राइट नाउ, एंड शेयर बायबैक एंड डिविडेंड इज नॉट द करेक्टिव एक्शन. ओके मिस्टर चौधरी, आपने जो बात रखी उसमें नंबर्स को बचाने के लिए, नंबर से सिनेरियो जैसे खराब हो रहे हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए बायबैक आया,
वो एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा, आप मतलब आर्टिफिशियली कह सकते हैं कि थोड़ा हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा, लेकिन लगातार जो फ्लोज आ रहे हैं न्यूज़ के, जैसे कि आज इन्फोसिस में एक और खबर आ रही कि 3 लॉ फर्म्स जो हैं वो इसके खिलाफ सूट ला सकते हैं आने वाले समय में, क्लास एक्शन सूट आ सकता है क्योंकि जो निवेशकों को लॉस हुआ उसके आधार पर, तो ऐसी बहुत सारी खबरें लगातार जारी है इन्फोसिस के लिए नहीं बाकी कंपनीज को लेकर भी। आईटी पे आपका व्यू पेसिमिस्टिक है, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर या सब सेक्टर जो आपको लगता है कि ग्रोथ देख सकता है आने वाले समय में? देखिए कि पहली बात तो यह है कि आईटी सेक्टर इज द ग्रोथ इंजन फॉर द होल इकोनॉमी, दैट्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, और अपने ग्रोथ इंजन को जो चला रही कंपनियां दे आर टोटली क्लूलेस। ऐसी सिचुएशन में कैश इज द किंग, आपके पास 5 बिलियन 10 बिलियन कितने डॉलर हैं वो आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करो, अपनी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो, अपनी इंडस्ट्री को रीशेप करो। एक भी एग्जीक्यूटिव का नाम दीजिए जिसने बोला कि मैं अपनी आईटी सेक्टर को रीशेप करूंगा, इनके पास ना तो दिमाग है, ना इनके पास फोरसाइट है, ना इनके पास विल पावर है, ना इनके पास स्टेमिना है। दैट्स द प्रॉब्लम। आई एम वेरी एंशियस फॉर द फ्यूचर ऑफ द आईटी सेक्टर बिकॉज इट्स द गोल्ड विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कोल बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट अक्रॉस द होल आईटी सेक्टर अनएबल टू सी द चैलेंजेस विच आर कमिंग ऑन द होराइजन। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। किसी के पास वो नहीं है कि अपने इंटरनल प्रॉब्लम लड़ रहे, ये नहीं देख रही कल को आपके जो 2-3 लाख एम्प्लॉइज है उनका क्या होगा जी। आप उनको डायरेक्शन दो, लॉसूट सोचते रहते हैं और उसी से डबल घबरा गए। यहाँ पे आपकी कंट्री का पूरा और सारे 3-4 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का इश्यू बन सकता है जी, बिकॉज द सेक्टर हैज टू बी रीशेप्ड। कोई भी नहीं सोच रहा उस तरह से, यू आर लुकिंग एट समथिंग विच इज इनकॉन्सिक्वेंशियल जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी अपना समय में देने के लिए। गौरांग, लेकिन आपसे एक सवाल और होगा क्योंकि इस सेक्टर में बायबैक का ट्रेंड इन्फोसिस ने एटलीस्ट अपनी कंपनी के लिए तो शुरू कर ही दिया और बाकी कंपनी का ट्रेंड फॉलो करा, यानी बाकी सेक्टर का जो ट्रेंड है उसे फॉलो करा और इन लाइन ही फॉलो करा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप प्रेफर क्या करेंगे कि फ्रंट लाइन में इन्फोसिस, HCL, विप्रो या TCS जो कि ऑलरेडी बायबैक्स दे चुकी हैं उनके साथ जाया जाए, या मिड कैप में हेक्सावेयर, परसिस्टेंट, माइंडट्री ऐसी कंपनियां जहां पे कुछ में बायबैक है कुछ में नहीं है उनके साथ जाया जाए? देखिए, माइंड बायबैक एक ट्रिगर नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए। ये एक छोटे या मध्यम अवधि का ट्रिगर होता है। लंबी अवधि के नजरिए से परिवर्तन आने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। मैं नतीजों की बात कर रहा हूँ और शेयर के दाम पर उसका सकारात्मक असर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर नतीजों की तुलना करें तो पिछले 2-3 तिमाही से जो मझौली आईटी कंपनियां उसके नतीजे काफी बेहतर आए कंपेयर टू दिग्गज कंपनियां। तो टेक महिंद्रा है, NIT टेक्नोलॉजीज है, साइंस है, इवन कंपेरेटिवली एक दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज, इसके भी नतीजे काफी सकारात्मक थे। तो इन कंपनियों में निवेश करें, मगर एक चीज है सुमित, आपके आंकड़ों को लेकर के, परिवर्तन बेहतर को लेकर के 1.5-2 साल का समय अगर आपके पास है तो ही जा करके आप कदम उठाएं और आईटी कंपनियों में निवेश करें। अगर उतना समय नहीं है आपके पास, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते, तो बहुत सारे बेहतर सेक्टर है जहां पर आप निवेश करें। गौरांग, एक और सवाल होगा कि जो निवेशक इन्फोसिस में निवेशित हैं, मिसाल के तौर पे कल ही हमें कई ऐसे निवेशक मिले जिन्होंने कल भी पोजीशन बनाई है और पोजीशन नीचे आ गई है, कुछ ही पुरानी पोजीशन है जो होल्ड कर रहे हैं, कुछ बहुत ही पुराने निवेशक हैं उनको इतनी शायद खबरों का इम्पैक्ट ना भी हो, लेकिन जिन जो इस तरह भी के भी निवेशक हैं छोटी अवधि के, मध्यम अवधि के, लंबी अवधि के लिए, उनको दो ही चीजें इस टाइम इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पहला, न्यूज फ्लो जो कि निगेटिवली कंपनी की साइड से भी आ रहा है और आज भी आया कि अमेरिकी लॉ फर्म जो है वो कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकती हैं, एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी तरफ प्राइस का सपोर्ट है जो कि बायबैक का है 1150 का। क्या वो शेयर टेंडर करें अगर वो टेंडर कर पाते हैं, या वो वेट करें सिनेरियो इंप्रूव होने का, या वो नंबर के साथ स्टिक करें जो कि इंप्रूव हो रहे थे? देखिए सुमित, ये क्या नहीं करें क्या करें, पहले तो कल सौदा करना ही नहीं चाहिए था आपने अगर कल सौदा किया ऐसी खबरों को लेकर। TCS का बायबैक आया 2850 का, क्या भाव 3000 के ऊपर है? नहीं, 2400 के आसपास है। HCL टेक का बायबैक आया 1000 का, क्या भाव उसके ऊपर है? नहीं। तो ये बायबैक में बार बार वो ही कह रहा हूँ सुमित, कि आप बायबैक को ट्रिगर को ये मान के मत कर लीजिए कि ये अनिश्चितता के तौर के ये ऊपर के तरफ ही बायबैक होगा, 1150 के ऊपर ही टिका रहेगा। ये खाली ट्रिगर है छोटी या मध्यम अवधि के लिए। जो बुनियादी तौर पर मैंने टिप्पणी की है उस पर मैं वापस रिएट्रेट करूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है 1.5-2 साल का या उससे अधिक का, तो आप आईटी सेक्टर में निवेश मत कीजिए क्योंकि परिवर्तन आने के लिए उतना लंबा समय लगेगा। पुराना निवेश है तो होल्ड करें, नई खरीदारी की हम राय नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी है।
जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग अपना समय में देने के लिए। तो दोनों ही जानकारों ने ये बात तो साफ कर दी कि अगर छोटी अवधि में आप निवेशित हैं या छोटी अवधि का आपका निवेश है तो आप इंफोसिस में या आईटी सेक्टर में कॉशियस अप्रोच ही रखें। अगर आपके पास समय है, लंबी अवधि का आप समय दे सकते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो के बदलाव के बाद। छोटी अवधि में यानी कि सोमवार के लिए जानकारों का यह मानना है, अभी गौरांग से हमने बातचीत की, कि एक ओवरहैंग जरूर रहेगा प्राइस का, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्फोसिस पे खबर आ रही है वो है यूएस लॉ फर्म के जो सूट है, तीन लॉ फर्म जो सूट फाइल करने वाले हैं यूएस में, खासतौर से जो शेयर में गिरावट है उसकी जांच को लेकर, तो ये एक बार को शायद इंपैक्ट कंपनी के ऊपर कर सकता है। लेकिन हाँ, बायबैक का प्राइस जो है वो एक बार को सपोर्टिव हो सकता है। कुछ डिटेल अंचल के पास भी है, उनसे भी समझ लेते हैं। अंचल, 13,000 करोड़ रुपए के बायबैक की उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद थी कि 9,600 करोड़ रुपए का बायबैक आ सकता है, क्योंकि बाकी 3,400 करोड़ रुपए जो वो ऑलरेडी डिविडेंड में डिप्लॉय कर चुके हैं। एक चीज अच्छी कि 13,000 करोड़ का बायबैक आ रहा है, लेकिन दूसरी चीज जो नेगेटिव साइड पर है वो ये कि शायद 24% आना चाहिए था, महज 18% ही है, जो कि इन लाइन विद द सेक्टर है। क्या है आंकड़े और आपके पास? बिल्कुल, तो मैं देखिए डेफिनेटली सबसे बड़ा बायबैक, पहला बायबैक आया इन्फोसिस की तरफ से और 13,000 करोड़ का आंकड़ा आया, 9,000-9,500 करोड़ तक आने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ दूसरी ओर अगर आप देखें जो प्रीमियम दिया जा रहा है, 18% का प्रीमियम दिया जा रहा है जबकि उम्मीद की जा रही थी शायद 24% का प्रीमियम आएगा, तो कहीं ना कहीं उस फ्रंट पे मिस किया है। रही बात, आपने भी अभी काफी जानकारों से बात की, पहले मेरी बात हो रही थी जानकारों से, जो व्यू है अब इन्फोसिस पे सुमित वो ये बन गया कि 1150 के भाव पे आप थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट दे पाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है वो अभी भी हैवी रहेगा, और कहीं ना कहीं क्योंकि प्रीमियम अनुमान से कम है उसका भी एक नेगेटिव जो डेंट है वो मंडे को आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका भी और अनुराग आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्फोसिस का बायबैक जो है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, 1250 एक आंकड़ा अच्छा बताया जा रहा था लेकिन 1150 आया है।